बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे जब मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बोला था कि मैं लाइव करती नहीं हूँ, पर उतना ही ऊपर नीचे लाइव हो रहा है। बहुत ही एक्चुअली डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। जो आयशा गुलाले ने स्टेटमेंट दिया खान साहब के बारे में अबाउट हिज कैरेक्टर एंड ऑल, दैट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। मेरा सवाल है आयशा गुलाले से कि जब वो बैठी हुई थी एमएनए की सीट पे, तो 5 साल तो उसको ये बात याद नहीं आई, और आज जब उसको एनए का टिकट शायद उसको लग रहा है कि नहीं मिलेगा, तो उसके लिए उसने पार्टी छोड़ दी और खान साहब पर इतने गंदे किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं। आई एम रियली शॉक, सरप्राइज, ऑनेस्टली टेलिंग यू कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हाउ टू रिएक्ट ऑन दिस, क्योंकि जो औरत होती है उसके लिए तो इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है, और देन आप जब किसी पे कीचड़ उछालते हो तो आपके अपने ऊपर भी होता है। आई एम रियली सरप्राइज, ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट ऑन दैट। मेरे पास अल्फाज नहीं है किस किस्म की गंदी बात खान साहब के बारे में इस औरत ने की है। तो तुम इस पार्टी में आई क्यों थी, और तुम इतने सालों से कर क्या रही थी, और तुम इतने सालों में ये चीज़ नज़र नहीं आई, और अचानक तुम जब इलेक्शन करीब आया, जो भी उसको कुछ लालच दी गई टिकट की, फॉर श्योर कुछ टाइम पहले आई थिंक मैंने उसकी स्टेटमेंट देखी थी कि जी राइवल्स जो मर्जी बोलने में नया पाकिस्तान बनाने में खान साहब के साथ हूँ। तो आई डोंट नो व्हाट नया पाकिस्तान वो शी टॉकिंग अबाउट। आई थिंक फॉर हर नया पाकिस्तान था कि जी उसको टिकट मिल रहा है, उसको सीट मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो खान साहब का साथ अल्लाह ताला भी देते हैं, हमेशा से अल्लाह ताला ने दिया, उनको सुरखरू किया है, क्योंकि वो सच्चा इंसान है, वो सच्चा लीडर है, वो पाकिस्तान के लिए लड़ा है, वो हमारे लिए लड़ा है। आई थिंक जिस जिसको भी लालच थी अपनी सीट या टिकट की, तो वो इस पार्टी से गंद जो है वो निकलता जा रहा है। आई थिंक ये हमारे लिए, हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे लिए ये एक अच्छी बात है कि हमारी ऐसे लोगों से जितना अच्छा हो जान छूट जाए। तो ऑल आई कैन से इज़ के रियली डिसअपॉइंटेड, और ये लॉन्ग टर्म में वो औरत देखेगी कि उसको कितना नुकसान पहुँचा है उसके इस फैसले से, क्योंकि खान साहब एक सच्चा इंसान है, और कैरेक्टर की जब उसने बात की है, तो हम लोग भी इसी पार्टी में हैं, तो हमें तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ। और आई डोंट नो कि किसके कहने पर उसने ये बात की है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी आप खुद सब लोग देखेंगे कि कितनी वो बेइज्जत होती है अपनी स्टेटमेंट के पीछे। और कोई रीजंस होते उसको, और कोई तहफ़ात होते, तो वो बात करती जाकर खान साहब से, ये जो भी है, बस सेइंग समथिंग लाइक दिस अबाउट समबडीज कैरेक्टर, तो अफसोस ही किया जा सकता है, और कुछ भी नहीं है। और इंशाल्लाह ताला जो खान साहब की टीम है, जो असल लोग हैं, जो असल जिन लोगों को पाकिस्तान से प्यार है, जिनको किसी सीट की कोई लालच नहीं है, जो सिर्फ पाकिस्तान का सोचते हैं, पाकिस्तान का भला सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, वो इस पार्टी में रहेंगे और इस पार्टी में शामिल होते रहेंगे। ये कारवान है, ये इसमें लोग आते जा रहे हैं, शामिल होते जा रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, और खान साहब का साथ देते रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जब तक जिंदगी है, जब तक सांस है, हम खान साहब के साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच।